हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आपका एटर्नल आईएएस में। सो गाइस, रोज एक एक टॉपिक आपके लिए हम ला रहे हैं ताकि आप एक एक टॉपिक देख पाए कि एक्चुअली पॉलिटी एंड गवर्नेंस में क्या क्या टॉपिक्स है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपका बेस क्लियर करने के लिए, आपका रिविजन करने के लिए और क्वेश्चन को एनालाइज करने के लिए। सो हमारी सेल्फ पेस सीरीज जो बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प है, जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं उनको हमने निचोड़ के एक छोटे से कंटेनर में डाल के आपको हम वो सर्व कर रहे हैं थ्रू आर सेल्फ पेस सीरीज। सो ये सीरीज अब चल रही है आगे और हम आपके लिए लाए हैं आज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी बुक है, वो उसका बेस क्या है। जैसे कि हम आपका यहाँ पे बेस बना रहे हैं सीरीज में, ठीक है, आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेस क्या है, जिस पे वो आधारित है, जिसके ऊपर वो खड़ी है, पिलर्स हैं उसके जिस पे ये खड़ी है, वही हम आपको बता रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है और हम लास्ट में इसके क्वेश्चन भी करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। देयर इज नो मेंशन ऑफ द टर्म बेसिक स्ट्रक्चर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो देखो, फर्स्ट पॉइंट यही है कि अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि देयर इज मेंशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नो, देर इज नो मेंशन कि बेसिक स्ट्रक्चर कोई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बट स्टिल वो बेसिक स्ट्रक्चर मतलब होता है ना, जरूरी नहीं है जो आप कर रहे हैं वो आपको कहीं मेंशन करने की जरूरत है। बेसिक स्ट्रक्चर है, हमारे फोर फादर्स ने बनाया था जो एक्चुअली में ये स्ट्रगल में थे, और उन्होंने उस टाइम पे जब वैन इंडिया वॉज अ बेबी, उस टाइम पे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उसके बेसिक स्ट्रक्चर जो उनके थॉट्स एंड बिलीव्स थे वो है ऑलरेडी उसके अंदर, तो उसके अंदर लिखने की जरूरत नहीं थी कि बेसिक स्ट्रक्चर, वी नो इट इज, बट उसमें मेंशन करने की नीड नहीं थी, तो वो नहीं है, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, अब इसमें इवोल्यूशन करेंगे मतलब इसके अंदर केसेस पढ़ेंगे, मतलब देखो सिंपल सी बात है, जब बेसिक स्ट्रक्चर मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो उसको जब कोई चीज लिखी भी नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम दो दोस्त हो, ठीक है, अब तुमने एक डील करी, तुमने एक छोटी सी डील करी कि मैं कल लंच में पराठा लेके आऊँगा, तुम कल लंच में बिरयानी ले आना, ठीक है, ये दो उन्होंने डील करी। अब ये बोलने वाली डील है, राइट, अब कल वो दो फ्रेंड्स वहाँ पर आएंगे और उनमें से एक इंसान ने वो चीज़ नहीं करी तो वो दूसरा फ्रेंड बोलेगा यार हमने तो एक वैल्यू एंड बिलीफ था हमारा, हमने डिसाइड किया था, तुमने नहीं किया, राइट, तो अब वो क्या हो गया, वही अपने कॉन्स्टिट्यूशन में था कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं था कि बेसिक स्ट्रक्चर है, तो वो चीज़ अपने इंडिया में कभी भी कोई ऐसे केसेस आ रहे थे तो उसको क्या करना पड़ रहा था, उन केसेस के अकॉर्डिंग एनालाइज करना पड़ रहा था कि यार ये बेसिक स्ट्रक्चर अपने कॉन्स्टिट्यूशन का सही चेंज तो नहीं हो रहा है, हम वो बेसिक स्ट्रक्चर से भटक तो नहीं रहे क्योंकि वो रिटर्न फॉर्मेट में नहीं है। अब मान लो कि वो दोनों दोस्तों ने रिटर्न फॉर्मेट में लिखा होता कि हाँ हम ये लेकर आएंगे, उन दोनों ने साइन किया होता तो वो लिखा हुआ होता, तो हमें पता होता कि ये लिखा हुआ है तो हम इसके कदमों पे, इसी किसके कदम पे चल रहे हैं, पर एक्चुअली में बेसिक स्ट्रक्चर लिखा हुआ नहीं था, तो उसको टाइम टू टाइम केसेस के अकॉर्डिंग उसको एनालाइज किया गया इंडिया के द्वारा और लॉ के द्वारा, ठीक है, तो वो एनालाइज कैसे करा गया, कौन कौन से केसेस थे जिन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एनालाइज करा कि हाँ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और उसको चेंज नहीं किया जाना चाहिए, अगर वो चेंज होता है तो हमारे जो ट्रू बिलीव्स थे मॉरल सोशल इकोनॉमिकल वो बिलीव्स भी चेंज हो रहे हैं, तो उसी को हम एनालाइज करके इसके अंदर कमिटीज और व्हाट केसेस देखेंगे, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर मतलब बेसिक स्ट्रक्चर को इवॉल्व कैसे करा गया वो हम इसके अंदर देखेंगे, केसेस देखेंगे। पहले था शंकरी प्रसाद केस 1951, पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। अब देखो 1951 में केस आया शंकरी प्रसाद का, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन रेज किए गए और कोर्ट ने ये फैसला किया कि ओके पार्लियामेंट इज फ्री टू चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट आया गोलकनाथ केस, वेरी पॉपुलर केस, ठीक है, इसमें गोलकनाथ केस में हमारे कोर्ट ने बोला कि यार अगर हमने पार्लियामेंट को पूरी पावर दे दी कि वो अपने हिसाब से चेंज कर सकती है तो जो भी मेजॉरिटी पार्टी है वो वही चीज़ें चेंज करेगी जो उनके अगेंस्ट है, तो उन्होंने ये बोला कि गोलकनाथ केस में ये फाइनलाइज किया कि भाई फंडामेंटल राइट्स हैं वो अमेंड नहीं किए जा सकते। वो किस में उन्होंने रियलाइज करा, गोलकनाथ केस में 1967, ये याद रखना, गोलकनाथ केस में ये रियलाइजेशन हुआ और ये कोर्ट ने ऑर्डर्स पास किए। नेक्स्ट
नेक्स्ट आया केशव नंदा भारती केस, ये भी बहुत यू नो पॉपुलर केस है। केशव नंदा भारती केस 1973 में हुआ था। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड, और इसके अंदर कोर्ट ने रियलाइज किया कि हमने पार्लियामेंट को ये बोला कि हाँ वो अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को शंकरी प्रसाद केस में, लेकिन अब क्या हो रहा था कि ना पॉलिटिकल पार्टीज जितना हो सके ना उतना अमेंडमेंट करने लग गई थी, बहुत ज़्यादा पर्सनल ग्रजेस भी उस अमेंडमेंट में निकल रहे थे, जो लोग मेजॉरिटी में वो अपने हिसाब से उसको अमेंड करने लग गए थे। तो इसलिए ये जो हमारा केशव नंदा भारती केस है, उसने बोला कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब जो बिलीव्स और सिस्टम्स जिसके ऊपर ही टिका है, जो इसके पिलर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आया नेक्स्ट केस मिनरवल मिल्स केस, ये भी बहुत पॉपुलर केस है 1980। इसमें भी दो तीन चीज़ें निकल के आई, वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन नॉट द पार्लियामेंट इज सुप्रीम। इसमें उन्होंने स्ट्रिक्टली रूल करा कोर्ट ने कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। पार्लियामेंट कहेगी हमें ये चीज़ पसंद नहीं आ रही कॉन्स्टिट्यूशन में, हम तो अमेंड करेंगे, नो, ओनली कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। जुडिशियल रिव्यू एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, जुडिशियल रिव्यू डाला कि हाँ भाई लोग कोर्ट में आ सकते हैं अगर उनका फंडामेंटल राइट क्या हो रहा है, डिटेरिएट कर रहा है, और फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में बैलेंस रहना भी जरूरी है, ठीक है। लिमिटेड अमेंडिंग पावर इटसेल्फ इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और बेसिक फीचर के अंदर एक पॉइंट डाल दिया गया लिमिटेड अमेंडिंग पावर, कि अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर नहीं है, पार्लियामेंट के मेरे पास बहुत ही लिमिटेड पावर है कि वो अमेंड कर सके कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। ये तीनों चीजें किसमें रियलाइज करी, मिनरवल मिल्स केस में। नेक्स्ट इंदिरा सोहाने एंड यूनियन, ये 1992 में हुआ, ये भी बहुत पॉपुलर केस था। इसमें भी कोर्ट ने देखे, अपने देखो क्या होता है, बेसिकली कोर्ट वो चीज़ें देखता है, अपने प्रीवियस रूलिंग देखता है, उस वो प्रीवियस रूलिंग को देख के अपनी जो मिस्टेक्स होती है, जो अभी जो चल रही है उसके हिसाब से उनको करेक्ट करता जा रहा है। अगर तुम देखो प्रीवियस रूलिंग में उन्होंने मिस्टेक्स करी, यहाँ पे बोले हाँ पार्लियामेंट कर सकता है, फिर उन्होंने कहा फंडामेंटल राइट को नहीं कर सकते, ये इनकी मिस्टेक थी, इसमें उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर नहीं डाला, ठीक है। आगे जाकर उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर इसके अंदर डाल दे और बता दे कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। अब इंदिरा सोहाने में क्या हो गया, रूल ऑफ लॉ एडेड टू द लिस्ट ऑफ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो भी रूल है वो लॉ के अकॉर्डिंग चलेगा, लॉ के ऊपर कोई भी नहीं है, लॉ सबसे पहले आता है, ठीक है। ये किसने आया, इंदिरा सोहाने केस में डाल दिया, उसको भी बेसिक फीचर में ऐड कर दिया, मतलब बेसिक फीचर ये एक तरीके से ऐड ऑन करे जा रहे हैं, क्योंकि बेसिक फीचर्स क्या था, गिवन नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, नाम नहीं था कि बेसिक फीचर ये है। अब क्या करिए, कोर्ट डिसाइड कर रही है अकॉर्डिंग टू केसेस से बेसिक फीचर्स क्या क्या है, ठीक है। लिमिटेड अमेंडिंग पावर बेसिक फीचर बता दे मिनरवा मिल्स में, और रूल ऑफ लॉ एडेड इसमें बता दे लिस्ट बेसिक स्ट्रक्चर में, ठीक है। एसआर बोमानी केस, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर केसेस इन 1994। स्टेट गवर्नमेंट नॉट फॉलोइंग बेसिक स्ट्रक्चर वुड बी वैलिड ग्राउंड फॉर द एक्सरसाइज ऑफ द सेंट्रल पावर अंडर आर्टिकल 356। सर बोमानी केस में बोला कि अगर कोई स्टेट है वो कह रही है कि हम ये बेसिक स्ट्रक्चर में बिलीव नहीं कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट कोई काम कर रहे हैं, तो उसको सेंटर क्या कर सकता है, पावर में ले सकता है, प्रेसिडेंट रूल में अंदर डाल सकता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है, इनको मैंने बहुत ही सेग्रीगेट करके एकदम छोटा क्रिस्प मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, जितने ये छोटे इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है उतनी ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप अपनी एक नोटबुक बनाइए और उसमें लिखिए, बहुत ही यूज़फुल है ये चीज़। आपको बड़ी बड़ी बुक्स लेकर उसको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर दूसरे लेक्चर्स देखें उसमें देखो यही चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा बड़ा घंटों तक आपके लेक्चर्स हैं, लेकिन मैं आपको ये छोटा क्रिस्प फॉर्म में दे रही हूँ ताकि आप अपने रिविजन नोट्स इसके अंदर तैयार कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, अब देखो बेसिक स्ट्रक्चर अपन ने देख लिया कि ये हर जगह एड ऑन करते जा रहे हैं, अभी भी कोर्ट पे कोई भी केसेस आता है तो वो बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकती है, ठीक है, कोर्ट उसमें एड ऑन करती जा रही है लिस्ट में, लेकिन उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर है, जैसे कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डाला था, सॉवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी, सेकुलर कैरेक्टर, सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, पावर को सेपरेट कर दिया गया है सेंटर और स्टेट में, ये है कॉन्स्टिट्यूशन में। वेलफेयर स्टेट, अपनी स्टेट क्या है, वेलफेयर स्टेट है। गिव मी अ सेकंड फॉर माय वाटर ब्रेक।
ठीक है, वेलफेयर स्टेट है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, हर इंसान यहाँ पे इक्वल है। अगर कुछ भी ऐसा होता है कि अनइक्वालिटी आती है तो वो बेसिक स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है। ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फ्री एंड फेयर इलेक्शन करें, वो बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है बिकॉज वी आर अ डेमोक्रेसी। जस्टिस मिले, रूल ऑफ लॉ बताया था, ऐड करा था ऐड, और जुडिशियल रिव्यू, ये भी क्या है, बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के क्या है एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सेकुलर, वही धर्म वगैरह इस पर कोई बांटा हुआ नहीं है, सॉवरेन, डेमोक्रेसी है, रिपब्लिक है अपन, सॉवरेन का मतलब कि भाई कोई किंग एंड क्वीन नहीं है, हम क्या है, इंडिपेंडेंट हैं, हम हमारे अफेयर्स क्या करेंगे, खुद करेंगे, इंडिया, ठीक है, हम किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे। ठीक है, अब आ गए हम हमारे क्वेश्चन पे, सिंपल, देखो मैंने आपको बोला ही था, क्वेश्चन देखो मैंने पढ़ लिया, क्वेश्चन अगर आपको मैं वापस दिखाऊं, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब पहले क्या हुआ, तो ये देखो, इसलिए मैं आपको कह रही थी कि ये जो केसेस हैं ये इंपॉर्टेंट है, इवोल्यूशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर केसेस इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे लास्ट में अपने बोमानी केस, इंदिरा सुहानी केस, यूनियन हुआ है, तो हम देखते हैं आगे क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन के ऑर्डर्स देखिए, क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, गोलकनाथ, शंकरी प्रसाद, केशव नंदा भारती केस एंड मिनर्वा मिल्स केस। देखो मिनर्वा मिल्स तो इनमें से सबसे आखिरी में हुआ था, तो फोर्थ लास्ट में आ गया। ठीक है, फिर केशव नंदा के, और इसके पहले ही केशव नंदा भारती केस हुआ था, केशव नंदा भारती केस इससे पहले हुआ था, शंकरी प्रसाद सबसे पहले हुआ था, ये टू, ये देखो ये अपना आंसर आ गया, ये आंसर आ गया, सबसे पहले अपना शंकरी प्रसाद हुआ, ठीक है, फिर अपना गोलकनाथ हुआ, और यही, फिर हमारा ये थर्ड और ये फोर्थ, तो 2, 1, 3, 4 आंसर इज 1। सो गाइस, मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प मैनर पे ये टॉपिक समझाया है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने क्वेश्चन भी किया है, नोट्स बनाइए, एस्पिरेंट हो आप, आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत स्मार्ट वर्क मैंने आपको ला के दिया है ताकि आपको ज़्यादा हार्ड वर्क ना करना पड़े, स्मार्ट वर्क है, आपको ईजिली नोट्स मिल रहे हैं बहुत शॉर्ट ताकि आप उसको फास्ट रिविज़न कर सकें, वीडियो भी आप अगर स्पीड से देख रहे हैं तो इसको वीडियो को एक टॉपिक को आप एक से दो बार देखिए वीडियो को, ताकि क्या होगा आपका जो दिमाग में जो डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो। ये शॉर्ट वीडियो आपके लिए बनाई गई है ताकि आप उसको कहीं पे भी किसी भी टाइम देख सके अपने टाइम के अकॉर्डिंग, और कंसिस्टेंट रहिए, रोज़ आपको एक वीडियो मिलेगी और रोज़ आपको वो वीडियो देखनी है, उसके नोट्स बनाने हैं और क्वेश्चन करने हैं और उसको एनालाइज करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, हैव अ गुड डे।